आज जहाँ तक आने का सवाल है, देखना हमारे सभी जो कैथल के साथी हैं आस पड़ोस के, उन साथियों ने आज मिलकर के ये मीटिंग रखी है। हमारे पुराने सभी साथियों की, पुराने भी हैं नए भी हैं, और वैसे तो हम जहाँ कैथल के और देश प्रदेश के हालात पे चर्चा करेंगे, वहीं अपने साथियों से भी और बातें करेंगे कि आगे किस तरीके से हमने क्या रास्ता अख्तियार करना है, क्योंकि सभी साथियों ने मिलकर के 16 फरवरी को, यानी कि ये इतवार छोड़ करके कल का अगले इतवार को वहाँ पर करनाल के सेक्टर 12 के ग्राउंड में जो मिनी सेक्रेटरीट के साथ है, वहाँ प्रातः 10:30 बजे स्वाभिमान दिवस के रूप में इन्होंने एक रैली बुलाई है वहाँ। और उद्देश्य यही है कि हम जो प्रदेश के हालात हैं उसके बारे में चर्चा करकर आगे का रास्ता किस तरीके से होगा क्या करें, और जो साथी सारे मिल करके कहेंगे वही मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जितने भी साथी हैं, क्योंकि पहले भी इन्हीं साथियों की ताकत की वजह से हम लोगों ने विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभाई, और आगे भी मैं समझता हूँ कि जहाँ अभी कल मैं देख रहा था बोले 100 दिन होंगे, 100 भी होंगे, 1000 भी होंगे, पहले भी हुए थे, आगे भी होंगे, लेकिन उपलब्धियाँ क्या है सरकार की? ना तो कोई सरकार की उपलब्धि है और ना कोई विपक्ष की उपलब्धि है, क्योंकि सरकार का काम करके दिखाना है और विपक्ष उन मुद्दों को उजागर करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब लोग, सरकार भी हनीमून पीरियड में है और जो विपक्ष भी है वो भी कहीं ना कहीं हनीमून पीरियड में लग रहा है, दोनों आराम कर रहे हैं और जनता परेशान है। तो ऐसे में यहाँ निकम्मी सरकार हो, निकम्मा विपक्ष हो, प्रदेश के हालात बदतर हो, जनता परेशान हो, वैसे में मैं समझता हूँ कि एक अल्टरनेट जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसके लिए हम लोग मिल करके सारे साथी संघर्ष करेंगे। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी जो आपके सवाल हैं, जस्ट फॉर बीजेपी का गठबंधन क्या मानते हैं, चल पाएगा? देखिए, ये तो दोनों ने मिलकर के तय करना है। प्रदेश की जनता, लोकतंत्र है, संविधान हमारा कहता है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होने चाहिए, तो जनादेश तो लोगों ने दे दिया, अब कितना ये निभा पाएंगे तो मिलकर के उन लोगों को तय करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार, चाहे वो अकेले किसी की होती चाहे मिलकर के होती, इस सरकार में तो कांग्रेस भी शामिल है, ये तो ऐसी सरकार है मिली जुली, इससे बढ़िया तो कोई सरकार बन ही नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रदेश में ऐसे लोग हैं